इसे डिस्ट्रॉय करना है। ओ भाई, मतलब आपने कभी देखा है क्या? ये एक ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट है जिसका कोई आउटलेट ही नहीं था। वाह भाई वाह। हे व्हाट्स अप गाइस, आई होप आपका दिन बढ़िया जा रहा हो एंड आई ऑल्सो होप दैट यू आर हेल्दी एंड फाइन ऑन योर साइड। सो गाइस, आज हम एक ऐसे इकलौते गेम को खेलने वाले हैं जिसमें एक अकेला बंदा पूरे ट्रेन स्टेशन को रेनोवेट करता है। गेम का कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा यूनिक लगा, इसीलिए मैं इसे खेल रहा हूँ और होपफुली आपको भी पसंद आएगा। चलिए यार, सबसे पहले न्यू गेम पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर शायद मुझे लोगो सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। हाँ, ये वाला थोड़ा बढ़िया लग रहा है, ये बहुत बढ़िया है, ये पबजी की पैन की तरह लग रहा है मुझे, इसे ही रख लेते हैं। और बैकग्राउंड में थोड़ा रेडिश वाला लुक रखते हैं। यहाँ पर कंपनी का नाम डालना पड़ेगा मुझे, जो रेनोवेशन की कंपनी है मेरी, मतलब इस गेम में, तो मैं नाम रखता हूँ एविटा एंड रेनोवेटर्स। ओके बढ़िया, एंड अब साइन इन करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मुझे शायद, हाँ, इस बुक को देखना पड़ेगा। ओके, हाउ टू प्ले लिखा है इस पे, और यहाँ पर ये कुछ मैप है, पता नहीं क्या है। हाउ टू प्ले पे क्लिक करते हैं। ओके गाइस, हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले मुझे डंपस्टर में जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मुझे कंटेनर बाय करना पड़ेगा शायद, तो मैं सेग्रीगेटेड कंटेनर सिलेक्ट करता हूँ और हमारा कंटेनर स्पॉन हो चुका है। पता नहीं क्या बोलते हैं, स्पॉन ही बोलते होंगे शायद। तो राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ, सारा ओपन कर दिया है मैंने। ओके, क्यू टू यूज़ द स्कैनर बता रहा है ये, मैं दबा देता हूँ। और यहाँ पर इस डब्बे में मुझे बॉटल्स को डालनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन बॉटल्स को पिकअप करता हूँ। ये भाई, ये बंदा डाल कर रहा है इस बॉटल्स को भाई, अचानक से ये बैग कहाँ से आ गया। एनीवे, इसे पिक करके शायद इस डम्पस्टर को बेचना पड़ेगा मुझे। ओके, तो मुझे यहाँ पे एक मिक्स्ड कंटेनर चाहिए जिसमें मैं सारी डम्प्स को, मतलब वो ग्लास हो, प्लास्टिक हो, बॉटल हो, कुछ भी हो, हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। वो एक ही जगह में जाएगा। देखिए, ये आ गया हमारा एक बड़ा सा डस्टबिन। तो सबसे पहले ये हाइलाइटर के पास जाकर मुझे पिक करना पड़ेगा एंड इसको पकड़ के, ये घूमता क्यों है? अरे भाई, चलिए इसे फेंक देते हैं। अब गाइस, शायद मुझे स्पॉन्ज सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये बता रहा है ऐसा कि, हाँ, मिडिल माउस क्लिक करके स्पॉन्ज। ओके, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है स्पॉन्ज को एंड अब इसे क्लीन करना पड़ेगा। भाई, इस बंदे को कहीं तो देखा है मैंने, ये हॉकाई जैसा लग रहा है क्या? ओके, ऑलमोस्ट डन। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, ब्रश को सिलेक्ट करके पेंट करना है क्या? ओके वाह भाई, बंदा क्या स्टाइल से पेंटिंग कर रहा है, देख सकते हो। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह। अरे
ओके, ट्रैवल का मतलब क्या होता है? इसे मैं पेंट कर सकता हूँ क्या? अरे भाई मुझे पहले पेंट करना चाहिए था शायद। छोड़ो यार, मुझे जितना बताया जा रहा है उतना ही मैं करूँगा। सैंड पेपर को सेलेक्ट करके ओके, इसके ऊपर कि वो क्या बोलते हैं उसे, रस्ट रस्ट निकालनी है। क्राउबार, क्राउबार, मैं काउबॉय क्यों बोल रहा हूँ? डिसमेंटल, ये एक्स को सिलेक्ट करना है मुझे। एक्स को सिलेक्ट करके इस बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब एल बटन को क्या करना है? अच्छा, गाड़ी में कुछ रखा है, गाड़ी में ये प्लायर्स पड़े हैं शायद। के भाई ये चोरी करवा रहे हैं क्या मुझसे? अगर रेनोवेशन का काम दिया है तो यार कम से कम चाबी तो दे देते। तो मुझे अब इसे रिपेयर करना पड़ेगा व्रेंच से। आई थिंक स्पैनर बोलते हैं इसे। और लाइट को जला दिया है। ओके, मैं कुछ यहाँ रख देता हूँ इसे। दैट्स इट। तो मुझे और भी कुछ बाय करना है इनके हिसाब से। क्लासिक ब्रिक यही होगा शायद। तो मैं अब क्या यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्या इसे? चलो देखते हैं। टॉगल फ्रॉम द टूल्स, पेंट एंड सेलेक्ट दिस। ओके, यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ होगा क्या? ओके, चुटकी बजाते ही सारा काम हो चुका है। चुटकी भी नहीं बजाया इनफैक्ट। 2000 years later। ओके, इंडिया के बारे में फैक्ट किसी गेम में मैंने पहली बार देखा है। कंप्यूटर को ई करना पड़ेगा। नहीं, इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें तो सिर्फ एग्जिट करना होगा कि मैप ही होगा शायद वो ई। अब मुझे फॉर रिनोवेशन, यहाँ पे जो येलो कलर का दिख रहा है ये फॉर रिनोवेशन ही है। तो मैं रेनोवेट करता हूँ इसे। अब भाई जगह जगहों पे कंटेनर्स ही लगा रहा हूँ मैं, सिर्फ मिक्स लगा देता हूँ। चलो पिक करना होगा इसे शायद इसमें। अरे भाई क्या गंदे आदमी है यार। कम से कम लिड तो क्लोज है इसका। क्या कर रहा है मुझे? ये डोर ओपन नहीं होगा, करना क्या है यार? कुछ तो बता दो। और अरे इस कंटेनर में इसे बिल्कुल टाइल से फेंकना है। पता नहीं संडास का क्या करना होगा मुझे। इसे क्लीन करना है क्या? इसे डिस्ट्रॉय करना है। ओ भाई, मतलब आपने कभी देखा है क्या जिसका कोई आउटलेट ही नहीं हो? ये एक ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट है जिसका कोई आउटलेट ही नहीं था। वाह भाई वाह। ओके, ये डोर हमारा पूरा बहुत अच्छे से हो चुका है। इसे भी हटा दिया है मैंने। अब इसे पिक करके
मुझे डंप करना है, दैट्स इट। तो इसीलिए उन्होंने तीन तीन मतलब डस्टबिन्स परचेज करवाए हैं मुझसे। अंदर जा सकता हूँ क्या? ये पूरा सिस्टमेटिक से बनाया हुआ है इन्होंने। Later. इस ट्रेन में स्टेशन मतलब इस स्टेशन में कोई ट्रेन रुकता ही नहीं है, मतलब कोई ट्रेन आता ही नहीं इस ट्रैक पे, क्योंकि एक तो यहाँ पे इन्होंने ये पत्थर लगवा दिया है और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर एक ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट है जिसमें आउटलेट ही नहीं है। समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम होती होगी पैसेंजर्स को जब वो यहाँ आते हैं। ये बढ़िया है भाई, पिकअप करने से बढ़िया तो ये है। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है गाइस। और हाँ, जाने से पहले एक और बात बोल देना चाहता हूँ, YouTube पर एक बहुत बढ़िया चैनल है लीजर अमन नाम का, ये मेरे दोस्त का चैनल है गाइस। ये भी गेमिंग वीडियोस बनाते हैं, अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इनफैक्ट ये मेरे भाई जैसे हैं। तो आप अगर हो सके तो इनका चैनल ज़रूर चेकआउट करना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलना गाइस। और यार, वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। सो या, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बी सेफ, बी गेमर, पीस आउट।